आयोजक है हमारे टूर्नामेंट को आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। मैं जीवी कांग्रेस ग्रुप को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। पटना टीम आपकी प्लेइंग 11 यहाँ पर यूट्यूब टीम को देनी है। पटना टीम तुरंत आ जाइए, आपका एक नुमाइंदा और पहले बोलिंग यहाँ पर रहेगी। एडीएम इंडिया को स्वागत है आप सभी का। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है केवीएस इंडिया ठोक ने। हमारे जो मैदान के ग्राउंड सर है उनसे प्रार्थना है कि प्लीज की मार्किंग करें, प्लीज मार्किंग करें। हेलो हेलो, ये अहम बात मेरे ख्याल से ये सही वक्त की है। पूना भाई सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ चलना जरूरी है, चलो हाँ चलो चलो अपना टीम करो, चलो अपना टीम करो, चलो आओ आओ जाइए जाइए जाइए। फिर पूना भाई बहुत ही मैं प्रतियोगिता सिर्फ बिहार ही नहीं है कि मुसल बन चुका है उत्तर प्रदेश और बिहार को करके एक जगह युवा टैलेंट, जैसे कि अभी हमने देखा पहले ही मैच जिस टैलेंट को निकालने के लिए जीबी बनारस ने यूपीसीए जैसे प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज किया, वो टैलेंट पहले ही मैच में निकला तो फिर पीली नजर से बड़ा नहीं हो सकता है। एक और चीज, आज कृष्णा साकू है जैसे खिलाड़ी ब्रांड एम्बेसडर है और देखिए हर टूर्नामेंट का एक फेस होता है, चेहरा होता है और कृष्णा साकू को यूपीसीएल का चेहरा बनाया गया है। आप इसको कितना अहमियत से देख रहे हैं? कृष्णा लक्ष्मण साकू इस वक्त भारत के आइकॉन है और हर खिलाड़ी कहीं ना कहीं उनका कॉपी करने का कोशिश करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने का कोशिश करते हैं और यहाँ पे उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कहीं ना कहीं वो आए हैं और उनसे युवा टैलेंट जो है वो सीखेंगे और ये बहुत बड़ा ध्यान होगा कि कृष्णा लक्ष्मण साधु हमारे यूपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर है। तो दोस्तों ये टूर्नामेंट में आप सुनेंगे होंगे आदिल रहमान बल्लू, उनके साथ में पहली में आपने राजा बाबू को सुना, अमुना गुप्ता जी को आप सुन रहे हैं, फिर हमारे पीएम शेखर जी वरिष्ठ इवेंटदार हमारे साथ उपस्थित है और साथ में भदोही के ही हमारे मित्र सुल्तानपुर से हमारे साथ है वीर भाई। तो आपने टेस्ट क्रिकेट में तो वीरू ज्ञान की तरफ से सहवाग को देखा, माइक है सहवाग को आप देखी है हमारे गुरु भाई को और छह दिन तक ये टूर्नामेंट चलेगा 20 से 25 अक्टूबर मुंशी लाट स्टेडियम में ये टूर्नामेंट हो रहा है और बहुत ही भव्य मैदान है। पूना भाई पिछले 5-7 साल में अगर आपने भारतीय क्रिकेट के परिदृश्य को बदलते हुए देखा हो तो पहले जो मैदान हुआ करते थे मिट्टी वाले या फिर पथरी थे, अब जो क्रिकेट में आमूलाग्र परिवर्तन आ रहा है और अब जो है मैदान का खिलाड़ी मुहैया कराए जा रहे हैं। अच्छा गेंदबाजी, बहुत अच्छी मैन ऑफ द मैच हो गया। ये अच्छा है, अरे बड़े बड़े खिलाड़ियों को नहीं खेलने दिया लास्ट ओवर, वो बहुत बड़ा टर्म साबित होगा इनके लिए। हाँ नहीं सही है, कटर भी है उसके पास, लेफ्ट भी फेंक ले रहा है। खासतौर से हमने क्लासिक में बहुत कम देखा लेकिन अब उत्तर प्रदेश बिहार और भारत वर्ष में बहुत जगह पे क्लासिक क्रिकेट आया और ये कहते हैं खिलाड़ी के लिए ये थोड़ा मेहनत मेहनत करेगा और ताकत लाएगा तो अच्छा हो जाएगा। आप किसी तरह से चोटी ना हो ये कहने के लिए बेनिफिट्स मिला है। टीम परमार सीपी बंसल ये सब एक से एक बड़े प्लेयर हैं, उनका सबको सबको
मुकाबला शुरू हो चुका है। कैप भाई वालेकुम सलाम। कैप सर कैसे हैं आप? 6 ओवर का मुकाबला है, बाउंड्री है 50 मीटर की, पीछे की बाउंड्री 60 मीटर की होगी, साइड की बाउंड्री 50 मीटर की होगी। कैप सर आप समझिए, आपका जो स्टेडियम की बाउंड्री है वही बाउंड्री है, जो आप लोगों ने स्टेडियम पे खेला था वही विकेट है, वही बाउंड्री है। और इस टूर्नामेंट में खेलने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की टीम, तो केबे विटिया ठोक पहले पहली गेंद का सामना करेंगे गेंदबाज अमन यादव और अंकुर सिंह। अमन यादव पहली गेंद हवा में और पकड़ लिया, पहले विकेट का पतन, पहला विकेट। अमन बनारस आउट होकर जाते हुए पहली बॉल भी यहां पर विकेट कटाते हुए अंकुर सिंह, और कह सकते हैं बहुत बड़ा झटका लगा हुआ यहां पर खास पूरा रिवील पटना को। अमन यादव जो की बेहतरीन बल्लेबाज है, बॉडी बैलेंस बना रही और हवा में खेला गेंद फील्डों के फील्डर के लिए कैच का मौका, कैच का मौका, पहला झटका। कहते हैं कि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आप देखिए उत्तर प्रदेश भदोही में करीब 36 डिग्री, लेकिन जब मैं सुबह दिव्य होटल से निकला कुर्सी लेके तो अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार में ऐसा लिखा था कि भदोही में आज येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट आने वाला है, और वही हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट। येलो अलर्ट में पहले ही अपने आने का अंदेशा ले लिया है, पहली बॉल पर विकेट लेकर अंकुर सिंह ने ये दिया विकेट को कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, जो लेकर खेलेगा राहुल के लिए दूसरे बल्लेबाज का नाम तो आया नहीं है, राहुल कोबरा है बल्लेबाजी के लिए। बिहार और उत्तर प्रदेश के हर युवा की दिल की धड़कन बन चुका है राहुल कोबरा बल्लेबाजी, खाता खोला है राहुल कोबरा ने, टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी कर रही है KBF इंडिया। ठोक भाई स्लो चल ही रहा है यहाँ पे, क्या कीजिएगा, सब कुछ देखना है ना। और बाहर फेंकी भी गेंद इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंदों की शक्ल आया था अंकुर सिंह की, गेंदों की विफलता देखिए, पहली बॉल पर ऑन द राइज बल्लेबाज को मारने के लिए उन्होंने अरेंज किया, दूसरी गेंद टूर्नामेंट की गई और ये बुलेट बॉल, क्या देख रहे हैं आप ये रमेश, किसी तौर पर अलग अलग तरीके से गेंदबाजी करते हैं और शेख अच्छी अलग तरीके से लाने की कोशिश करते हैं। पहली गेंद प्लेयरों का नाम पता नहीं है इसलिए भाई थोड़ा मुसीबत हो जा रही है, जब नाम पता होता तो दिक्कत नहीं होती। ये भी अच्छी अनुभूति नहीं, वो अनुभूति जो है वो खेल में आज जो है
लिहाज से सही कह रहे हैं, ध्यान से और दिमाग से रन बनाना होगा। इस विकेट पर भी रन बनाना आसान नहीं होगा, गेंदबाजी के लिए खासकर बनाया गया विकेट, क्योंकि विकेट पर थोड़ा ग्रास दिया गया है और जो टीम गेंदबाजी कर रही है वो टीम अपनी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है। और ये शॉट इस बार हवा में है और प्लेयर मौजूद, एक और विकेट का पता, एक ही ओवर में दो विकेट। राघवेंद्र यादव का आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्या राघवेंद्र यादव आएंगे या फिर सन्नी यादव आ रहे हैं बल्लेबाजी करने, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सन्नी गुरुजी, सन्नी गुरुजी आ रहे हैं बल्लेबाजी करने। उन्होंने पहली बॉल पर आसमान छूना चाहा क्योंकि पावर प्ले का एक ही ओवर है, शायद ये वजह भी है कि टीम रिस्क ले रही है, लेकिन थोड़ी महंगा पड़ेगा। नए बैटर के रूप में सभी आ चुके हैं सन्नी यादव, तो दो विकेट लिए अब तक और पहले ओवर में अच्छी सीख अपनी। छह ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है, छह ओवर का। आसिफ भाई कल आ जाएंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आसिफ भाई कल आएंगे, नुमान भाई के साथ कहीं कल आसिफ भाई आ जाए संभावना है। सही कह रहे हैं भाई, रेड बॉल से होता तो मजा आता जी। अब्दुल लकीब तो चाहिए यहाँ कमेंट्री के लिए, बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं अब्दुल लकीब भाई, बहुत अच्छी लाजवाब, ऐसी कमेंट्रियों में अब्दुल लकीब भाई का आगमन होना बहुत अच्छा रहता है। फेसबुक यूट्यूब दोनों पे अभी आप लोगों ने परसों या नरसों दिलसान गेट पर सलेमपुर के फेसबुक पे यूट्यूब चैनल पे एक बड़ा मुकाबला देखा था एक दिवसीय, और वहाँ बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आपने देखी थी। आज उसके विपरीत छः ओवर का मुकाबला है और एक रन दो विकेट, अब समझ लीजिए कि कितना अंतर है मुकाबले में। जब बड़े खिलाड़ियों के सामने सामना होता है तो समझ में आता है किस तरह की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की जरूरत है और किस तरह की प्रैक्टिस की जरूरत है। जी बिल्कुल, वहाँ ग्राउंड छोटा था, उत्तर प्रदेश का ये समूह राज्य पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर, मतलब उड़ीसा कहिए, पंजाब कहिए, हरियाणा कहिए, तमिलनाडु कहिए, केरला कहिए, सऊदी अरब कहिए, दुबई कहिए, शारजा कहिए, या फिर मुंबई महाराष्ट्र के तमाम बड़े टूर्नामेंट संपूर्ण खेलता है। और ओवर में बहुत ही भव्य प्रदर्शन, नए ओवर की शुरुआत, नए ओवर आरंभ करने जा रहे हैं। अभी भी अच्छी बात है, आज इंटरनेशनल क्रिकेटर के नाम से हर शहर में कोहरा है, हर शहर में कोहरा है, हर शहर में धोनी है, ये नाम अपने आप में रहते हैं और बुमराह आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बुमराह, प्रदीप बुमराह, बाहर फेंकी हुई गेंद और एक और अच्छी बॉल। प्रदीप बुमराह कहां से बिलोंग करते हैं आप लोग बताएंगे, ये पैरों पर फेंकी हुई गेंद, डबल के लिए मांग है, मगर सन्नी गुरुजी हैं तो डबल ले पाना मुश्किल है।
काफी समय से रुका हुआ स्कोर अब आगे बढ़ा है, दो रन स्कोर जा पहुंचा है एक ओवर की समाप्ति पे, दो विकेट यानी 2-2 दो विकेट के साथ पर हमारे जो नागरिक इस वक्त इस लाइव तरीका से रहा कर चुके हैं, हमारे तमाम नागरिक भाई बहन सभी का स्वागत है 77 के यूट्यूब चैनल पर। 77 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, भाजपा पहले के दबाना न भूले। और मिलिए 10 लाख का बड़े लक्ष्य है, आपने इस सीजन की समाप्ति होने से पहले उसमें आप जरूर हमें सहयोग करें। रन आउट का चांस है, डायरेक्ट हिट और रन आउट। तो रवि बनारस बॉक्सर में बैठे थे और वो खिलाड़ी ऐसा है उत्तर प्रदेश का कि जो सभी खिलाड़ियों को जानते पहचानते हैं, तो रवि बनारस को पता था कि मुझे किस तरह की टीम बनानी है और किसको खिलाना है। पिछले मुकाबले में युवा खिलाड़ी अंडर 21 अमित हुए हैं मैन ऑफ द मैच, युवा खिलाड़ी अमित। हम सलमान मिर्जा का मैच इसके बाद हो सकता है, क्योंकि सलमान मिर्जा का अभी मुलाकात हुई है, इसके बाद हो सकता है सलमान मिर्जा का। तो स्कोर बहुत धीमी गति से बढ़ता हुआ, 4 रन 2 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर प्रगति पे, 6-6 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है। राहुल कोबरा और सन्नी यादव हैं दोनों मऊ के धुरंधर खिलाड़ी हैं और मैदान पर इस वक्त उपलब्ध है। शेयर कर दिया आप लोग, शेयर कर दीजिए। अंकुर सिंह, रवि बनारस, अमन बनारस, राघवेंद्र, हरीश मंसूरी, राहुल कोबरा, सन्नी यादव, युवराज जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। प्रदीप यादव भी अंकुर सिंह एंड कंपनी में है, रवि बनारस, प्रदीप यादव, अंकुर सिंह, मजबूत टीम दिखाई दे रही है बल्लेबाजी और गेंदबाजी। 22 तारीख को है सरफराज बाहुबली का मैच, 22 तारीख को है और इस बार सन्नी यादव ने कट किया है। पचास रन भी बनाने पड़ेंगे भाई, तो सावा पांड्या का मैच किस टीम में ही बताएंगे तब पता चलेगा। किस टीम में है तो ही पता चल पाएगा कि किस में है, विक्टर मैक्सी का मैच कब है, किस टीम में है आप लोग बताएंगे तो ही। तनवीर बाहुबली का मैच इसके बाद है, बंगाल का मैच इसके बाद है, बंगाल में अगर होंगे तो सब लोग खेलते हुए हैं। बिहार का एक युवा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आपको खेलता हुआ दिखाई देगा, मृत्युंजय यादव, कुमार गौरव, सुनू भैया नहीं, भैया कुमार भैया अभी आउट नहीं हुए, कुमार गौरव भाई जुड़े हम लोग, रघु भाई अभी आउट नहीं हुए हैं। कुमार गौरव भैया आपका मैच कब है? भाई कंफर्म नहीं है किसका मैच कब है, और ये इस बार पैरों पे गेंद, गेंदबाज है ऋषभ, लास्ट वाला है मेरे ख्याल से, लास्ट कंफर्म मैं हूँ नहीं मगर लास्ट को होना चाहिए। ये गेंद गिर के कांटा बदली है, उंगलियां फेरी थी इस बार,
और टेनिस क्रिकेट जो है अमूमन अच्छे खाते का क्रिकेट इसलिए भी कहा गया है क्योंकि सबकी जोड़ी भी बहुत अच्छी है। ये बल्लेबाजों के लिए भी खुशी है, एक बाजू के लिए भी खुशी है, जिस तरह बाउंस है बॉल का, जिस तरह शॉट आ रहे हैं और एक मौजूद और पकड़ा है कैच राहुल कोबरा का, तो बाउंड्री टपा नहीं पाए राहुल कोबरा, बाउंड्री से 5 मीटर अंदर ही पकड़े गए। अहमद राजा जी अपनी फितरत वो नहीं है, जलन किसके अंदर रहे वो रहे, हमसे कोई मिलेगा तो हम जाके मिलेंगे और हाय हेलो कर लेंगे, उसमें कोई अपनी बात नहीं है। कोई पीछे गाली दे और सामने आके हेलो कर ले तो हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत अहम रहता है, नेता के लिए पातृत्व, वक्तृत्व और नेतृत्व मायने रखता है। ठीक उसी तरह राघवेंद्र भाई वेट कर रहे, इतना पता नहीं समय नहीं आ रहा है विवेक गब्बर, ये भी लग रहा है बिहार से बिलोंग करते हैं मेरे ख्याल से विवेक गब्बर, कंफर्म मैं हूँ नहीं मगर हो सकता है कि बिहार से हूँ। कैप में अकेला प्लेयर मौजूद है वहाँ पर, दोनों प्लेयर आगे पीछे, ये हरीश मंसूरी है। तीसरा ओवर प्रगति पर मात्र 8 रन बना पाई है खसपुरवा 11 पटना। अभी नहीं भाई खाना, अब कहाँ, अब तो शाम तक भी नहीं मिलेगा, लाइव चलाएंगे। ये भी फंसे हैं, प्लेयर है मौजूद वहाँ पे, एक और विकेट, इसके बाद हो सकता है तन्वीर भाई का मैच। राघवेंद्र आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, राघवेंद्र मेरे लाइव के दौरान 5 मैचों के 4 इनिंग में 81 रन बनाए हैं 261 के स्ट्राइक रेट से, जो मैंने लाइव किया है। अहमद रजा जी ठीक है व्हाट्सएप पे कीजिए भाई, वहाँ जल्दी मैं चेक करता नहीं हूँ, कहाँ कहाँ चेक करेंगे बताइए। अंकुर सिंह एक बार फिर से, पहला ओवर 1 रन 2 विकेट झटके थे अंकुर सिंह ने, आइकॉन प्लेयर अपनी टीम के लिए और आइकॉन वाला काम किया था इस बार अंकुर सिंह ने। यहाँ पे जिस तरीके से गया अव्वल दर्जे का, अभी तक अंकुर सिंह की टोली जो है वो बखूबी तौर पे गिरफाती हो या फील्डिंग हो बेहतर के लिए रिवर्स पहले ही घूम गए अंकुर सिंह जैसे गेंदबाज को, आप पहले रिवर्स घूम जाएंगे तो ये खिलाड़ी लास्ट समय तक बल्लेबाज को देखता है। शॉट गैप में है, प्रदीप यादव जैसे तेज तरार फील्डर है वहाँ पर, आप ऐसा लगा कि धोनी ने क्रिकेट खेल रही है, जो आत्मविश्वास इस कार्यक्रम पर बढ़ेगा उसको बयान नहीं किया जा सकता।
इसी तौर पे ये दोनों बल्लेबाज के पास पहुंचा होता है। ये दोनों बल्लेबाज पे बहुत ही ज्यादा निर्भर रहेगी टीम की। अग्रेतर ये भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है, रन कम गेंदों में ज्यादा रन बनाते हैं। और अंकुर के लिए एक चीज जो मैंने नहीं मिलता मैं दाल कोला का मैच इसके बाद चंदन खेल रहा है भाई, यही टीम है चंदन की, इसी टीम में है, दूसरी टीम में है। लेकिन किसी भी खिलाड़ी के बारे में जाने कैसा टीम का नाम पूछिए तो बता सकते हैं हम आज के टीम के बारे में। अगर कल के बारे में पूछे तो भी इतनी जानकारी मैंने उपलब्ध करी नहीं है अभी। लेकिन जब आप खराब गेंदबाजी करते हैं तो फिर अच्छी गेंदबाजी कैसे करनी है, अपने आप को किस तरह उस ढांचे में डालना है, वो बड़ी खिलाड़ी की निशानी है। और ऐसे हम काम के रूप में ओवर स्टेप का नो बॉल चेक हो रहा है। तो ये नो बॉल है, इसकी पुष्टि की जा चुकी है। 70-70 का कैमरा यही काम करता है और भूपेश कराले ये एंगल का बादशाह है। जो एंगल आता है उसको पकड़ता है, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे ट्रायंगल हो कोई भी एंगल हो, भूपेश कराले 70-70 के हमारे ऐसे बाहुश कैमरामैन एडिटर मिक्सर सारी चीजों को काम कर लेते हैं। और ये वजह है कि आज पूरी यूनिट को डील कर रहे हैं इस वक्त भदोही में। तो आप दोनों का करता आपका सामना होने जा रहा है। सीकर का लीड बनेगा, बोनस लीड बनेगा और क्या बनेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन यूपीसीएल के जरिए अच्छा क्रिकेटर जरूर बनेगा हर खिलाड़ी। दूसरा और
विकेट लगाने का प्रयास ईसीबी के सभी निका उंगली को टेढ़ा किया, गब्बर जा चुके हैं आउट, पांचवें में दो रन बना के कोशिश तो हर तरह से, लेकिन इस कोई भी कोशिश कामयाब हुआ नहीं है। गब्बर इस बार स्विच हिट करने की कोशिश, और स्विच हिट करने के चक्कर में पिक्चर को सुपर हिट बनाने के चक्कर में अपना विकेट कमा कर वापस जाने में कह सकते हैं टीम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंस चुकी है काजू बनाने में। लेकिन इस 70-70 का बॉलर सर यहाँ पर हमने 6 ओवर में 80 चेस होते हुए भी देखा है, 6 ओवर में 35 डिफेंड होते हुए भी देखा है। कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छा और यही करते हैं कि आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से पहचान जाते हैं, बहुत तरह से संभल जाइए तो फिर आप महान कहलाते हैं। लेकिन यहाँ मुश्किल है, बट ये गेम अभी आगे तय करेगा कि पक्ष में किस टीम का जाएगा। क्या बोल रहे, मैच तो हार गया, 5 विकेट गिर चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी चौका कोई भी छक्का इस मैच में बोलो किंग जी यूपी में भदोही जिले में मुकाबले के ऊपर नियंत्रण ये बहुत बढ़िया रखा है, चाहे वो अंकुर हो बुमराह हो ऋषभ हो सभी ने रन भरे इस गेंदबाजी में। रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा है इस वक्त राजपुर पटना बिहार के लिए, लेकिन हौसले पूरे अंदर खेलना होगा। विकेट कीपर ने बहुत बेहतरीन कैच लिया था, बहुत अच्छी तीसरा विकेट नंबर 4 हो चुका है इनके खाते में, 4 विकेट अभी तक नहीं चुके हैं। रोहित शर्मा आ रहे हैं बल्लेबाजी, रोहित शर्मा आ रहे हैं, अगर नो बॉल होती है तो एक बॉल डालनी होगी, नहीं होगी तो ओवर की समाप्ति, 6 विकेट के नुकसान पे 11 रन 4 विकेट के। अंकुर की गेंदबाजी की विविधता के बारे में निश्चित रूप से हमने कई बार देखा है खिलाड़ी को कुछ समय ऐसे गए जहाँ पे रन बहुत भरे थे गेंदबाजी में, कहीं ना कहीं खिलाड़ी फॉर्म में काफी प्रशंसा होगी, लेकिन जब फॉर्म खराब होता है तो वही और ये साथी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बुराई भी करते हैं। लेकिन हमने बड़े बड़े खिलाड़ी को देखा, चाहे विराट कोहली और चाहे कृष्णा लक्ष्मण साहू का जिक्र किया या फिर अंकुर सिंह की बात करें, सबने वापसी की है और वापसी वही करता है जिनके पास क्षमता है, हुनर है और संघर्ष करने का इरादा है। सबसे बड़ी बात अगर आप देखें मेरे पूरे जीवन में लता मंगेशकर को अगर मैं छोड़ दूं, भारत रत्न लता मंगेशकर उसको छोड़कर बाकी हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव का दौर आया है, और उसमें से उठना और संभलना ये अच्छे व्यक्ति की निशानी है, चाहे फिर वो गीतकार हो संगीतकार हो फिल्म कलाकार हो क्रिकेटर हो या नेता हो। उनकी शुरुआत और पहली बॉक्स कम पर आती हुई अभी भी जो गेंदें बची हैं उसमें आप क्या रन की उम्मीद करते हैं बोला कि यहाँ पर जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है अभी तक कसीवी गेंदबाजी हुई है, लेकिन अब चौथे के साथ का यहाँ इस्तेमाल किया है तो कहीं ना कहीं रन बनाना चाहेंगे, 15-20 रन कम से कम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा राजेंद्र कैपिटल स्ट्राइक पे।
लाइन पकड़ा है और किसी के और खास बात है कि इसमें राइटिंग और लेफ्टी दो प्रकार के बॉलर है। कई बार बैटिंग में आप राइटी लेफ्टी की वैरायटी देखना चाहते हैं लेकिन बॉलिंग में भी राइटी लेफ्टी की वैरायटी ये होना बहुत जरूरी है। प्रियांशु जो फोटो शो कर रहा है वो है नहीं, दूसरे कोई लेफ्ट आर्म गेंदबाज है प्रियांशु। एक और शॉट पिच गेंद और इस बार अंकुर सिंह है मौजूद वहां पर। दो रन आराम से किसी तरह एक दो में तब्दील करना ये पहले पोजीशन होना चाहिए। इसी तौर पर देख रहा है अगर क्या दोस्त आया ये अच्छा लगा देखकर कि वो समझ भाई किसका मैच कब है ये हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये जानकारी हमारे पास है नहीं, किसका मैच कब है ये सारी जानकारी हम दे नहीं पाएंगे। दूसरा मुकाबला चल रहा है, समय हो चुका है, डेढ़ बज रहा है, छह मुकाबले खेले जाने हैं और ये इस बार एक बार प्लेयर है मौजूद या बड़े प्लेयर। दो रन 15 अगर 40-50 भी बंदे तो लड़ पाते लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां हैं स्पीड ब्रेकर बंदर आए हैं गेंद पास 16 पीछे स्वागत किया जाएगा रन जहां से भी आए के नाश्ते में इडली वड़ा और मैसूर का बोलता और क्रिकेट में केबीएफ इंडिया को बोलता दोनों का जवाब है। अमित यादव हुए हैं मैन ऑफ द मैच, इससे पहले युवा टैलेंट बहुत अच्छी गेंदबाजी की है झूसी इलाहाबाद के खिलाड़ी है। भाई के ब्रेक में मात्र 17 रन बना पाई है खजपुरवा 11 पटना। खजपुरवा 11 पटना यही क्रिकेट का नाम है इस टीम को। मैंने इस टीम को मैंने सेमीफाइनल के दौर में रखा था, ये टीम सेमीफाइनल पहुंचेगी। रोहित शर्मा नो बॉल, चेक नो बॉल हो रही है फिर से। पूरी तरीके से बांध कर रखा है काजपुरा 11 पटना को। जब ऑप्शन कंप्लीट हुआ था सर तो ऑप्शन के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि काजपुरा 11 पटना के पास सब कुछ है, बैटिंग लाइनअप भी है। गेंदबाजी लाइनअप से बात करें रोहित शर्मा जिसे आपने भी देखा होगा कई सारे बड़े बड़े प्रतियोगिता में अपना बेहतर परफॉर्म किया, उसके साथ विशाल सिंह 14 टीम है भाई 14 काफी स्ट्रॉन्ग टीम आने जा रही थी लेकिन ये ऑन अ पेपर मैदान में इस वक्त मुश्किल में है। तो देखिए कुछ सूचनाएं हैं अगले मैच की, दोनों टीमें टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आ जाए वहां पर कशिश आपके साथ जुड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो खिलाड़ी फ्री हो चुके हैं वो खाना खा ले, ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए आए हुए हैं और समय के मामले में हमें सहयोग करें। 30 मिनट में आपको 6 ओवर करने हैं। खिलाड़ियों को लाखपति बनाने वाला ये टूर्नामेंट 10 लाख रुपए पहला पुरस्कार दिया जाएगा,
उत्तर प्रदेश के सरजमीन पर पहली बार इस बार थोड़ा सचिन शॉट का एक अलग मुद्रा में बल्लेबाज नजर आया, लेकिन एक रन से ज्यादा मुश्किल हो गया बैटर है। तो यहाँ पर ओवर समाप्त हो रहे हैं, कुल मिलाकर पांच पांच ओवर के बाद ओवर 19 और विकेट गिरी है। भाई मुझे पता नहीं आपका गणित था या नहीं, लेकिन अगर 36 गेंदों के गणित को मैं देखूं तो जो 7 विकेट गिरी 60 डॉट बॉल तो यही हो जाती है, और फिर ऑप्शन के बाहर से निकलने वाली एक 8 से 10 गेंदे मैं वो पकड़ता हूँ। तो 6 ओवर के मुकाबले में अगर आपके 36 में से 18 गेंदे अगर डॉट बॉल है तो फिर मेरे ख्याल से अगले मैच के लिए ये आपके लिए एक चर्चा का विषय रहेगा। इसी तौर पर सर, ये अगर आप इतने ज्यादा डॉट गेंद करेंगे तो चर्चा का विषय रहेगा, और चर्चा का विषय इस वजह से होगी आपके पास लाइनअप इतना अच्छा रहने के बावजूद आप मिस्टेक कहाँ करें, क्या आप अंडर प्रेशर है, पहली बार नहीं खेल रहे हैं इस वजह से क्या अंडर प्रेशर है, ताकि एक दो दिन पहले प्लेयर आ जाए उनको आपस में प्रैक्टिस मैच खिलाया जाए ताकि मैदान की परिस्थितियों से वो अपने आप को अवगत करें, और साथ में आपस में मैच सिचुएशन बनाकर अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो उनके लिए फायदेमंद साबित होगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो आखिरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है और आखिरी ओवर निकल आ रहे आदर्श 5 गेंदों पर 500 का इस्तेमाल होना जरूरी है हर पारी में। ओहो, एक्सप्रेस बॉल, ये बहुत शानदार शॉट है, खेल दिया है, और इस टूर्नामेंट का पहला खूबसूरत शॉट, इस मैच का ये पहला चौका, शानदार चौका। कमेंटेटर सुबह जैसे मौका मिला मौके पे चौका चढ़ा है, लेकिन है सैफ भाई का मैच परसों है मेरे ख्याल से या कल होगा। अफजल रहबर हार्ड बॉलिंग, खुद अंकुर सिंह ने बहुत लाजवाब गेंदबाजी कराई, 2 ओवर में बहुत ज़्यादा रन खर्च नहीं किए और 4 विकेटों का पतन कर दिया, झटक दिए 4 विकेट अंकुर सिंह ने। तो आदर्श है गेंदबाज एक बार फिर से अमन के लिए, इस बार हवा में है प्रदीप यादव है, तेजी से दौड़ रहा है और टपका दिया। ऐसा भी हो सकता है कि सोना बनाई होगा कर आए हैं तो थोड़ा कम बात कर रहे हैं। स्कोर इस वक्त 24-7 कमजोर स्कोर है, 22 तारीख को है भाई। आदर्श शॉर्ट पिच गेंद गलत जगह पिक कर गए, घुमाना था हैरिस मंसूरी है मौजूद, राघवेंद्र यादव भी अपना विकेट गंवा कर जाते हैं। हैरिस मंसूरी ये कैच लिया जो तय करते हैं कोई भी दूरी पर हैरिस मंसूरी ये रिसीव पर फिर छक्के भी लगाते हैं, बहुत दूर दूर बहुत ही लंबा स्ट्रोक लगाने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर सर की बात के साथ साथ फिल्डर की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से चौके का बचाव पिच फील्डिंग से कहीं ना कहीं उन्होंने पिच फील्डिंग बिल्कुल नहीं किया, अच्छी फील्डिंग कैचेज उन्होंने ड्रॉप नहीं किए, यही कारण रहा है कि इसी खास पूरा लेकिन पटना की टीम बैक टू बैक नजर आई है वाके में, और लेकिन पटना टीम फाइट करेगी ये हम उम्मीद करें क्योंकि ये खेल है और लीग है, तो लीग में आप एक मैच हारने से बाहर नहीं हो जाते, आपको सीखना है। कहीं तो मैं पढ़ रहा था कि खेलना सीखना मेरी आदत है, हारना सीखना मेरी काबिलियत है, तो जब जब खेलोगे उनको और जो रहेगा वही आगे बढ़ेगा। और इस वक्त पटना टीम जो है के कैप्टन होंगे ओनर के मैनेजमेंट, उनको एक मीटिंग लेनी होगी मैच के बाद, उनसे बात करनी होगी, जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती है उसमें जब सालाना आभार बढ़ाया जाता है तो उसको अप्रेजल कहते हैं, और अप्रेजल एक ऐसा समय होता है जब आपका मैनेजर आपसे बात करता है कि साल भर में आपने अच्छा क्या किया, आपने बुरा क्या किया, आप क्या कर सकते हैं, आपने नहीं किया, आपको क्या बंद करना चाहिए, क्या शुरू करना चाहिए, अगर कोई भी खिलाड़ी जो है
ये प्रोत्साहित होगा और ये फीडबैक उसको अच्छे तरीके से दूसरे मैच को आगे बढ़ेगा, मेरे ख्याल से। नहीं, दूसरा मैच है शुभम मिश्रा जी, दूसरा मैच है, नॉकआउट नहीं, नॉकआउट मैच नहीं है। प्रत्येक टीम के पास चार मैच हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी, चार या पांच मैच होंगे प्रत्येक टीम के पास, जिसमें से तीन जीतने होंगे। विवादित जो डिसीजन होता है, विवादित डिसीजन जो खिलाड़ी 100% सेटिस्फेक्शन नहीं होते हैं, तो थर्ड एम्पायर जो आईपीएल के तर्ज से पहली बार हमें देखने 24/8 आदर्श टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद का टप्पा, उसकी दिशा, उसकी गति, तीनों को गुलाम बना कर रखा है। उमेश कुमार जी, नहीं भाई, नहीं है, नहीं है, यूपीसीएल नहीं। काफी खिलाड़ी प्रोत्साहित है, हंस भी रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। पहला शॉट लगाया है, प्लेयर मौजूद और ये कैच टपकाया है। डबल के लिए मांग कर रहे हैं ज्ञानेश्वर शर्मा, और मना किया यहाँ पर। आपने सही कहा सर, और एक और बात हमें जोड़ना चाहेंगे, ऑनलाइन बेबी जोड़ू स्थिति बना रखी है यहाँ पर, टीम एक आध दो कैश ड्रॉप होने से उनका नुकसान नहीं होगा, नहीं लगेगा, मगर ये क्रिकेट है, दर्शक बैन नहीं है, जानते हैं गर्मी का मौसम है और स्टेडियम है, तो स्टेडियम के अंदर जल्दी आदमी पहुंच नहीं पाता है, स्टेडियम अधिकतर ग्राउंड के बाहर होता है। प्रदीप यादव, तीन तीन प्लेयर दौड़ है और बचा लिया है, इसके बाद अंशु यादव से मुकाबला होगा। एक नई टीम का एक प्लान बनाया गया था। परसों है रिंकू भाई का मैच, डबल की कॉल है, क्या डबल लेंगे या फिर सिग्नल के लिए जाएंगे या रन आउट, गलत जगह थी वो, डबल हो जाएगा आसानी से, आप सभी से 30 रन चाहिए जीत के लिए 6 ओवर में, 5 मिनट के बाद आप सभी से जुड़ा जाएगा।